गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम कक्षा 4 का मैथ कर रहे हैं, जिसका लेसन का नाम है नंबर्स अप टू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से जो ऊपर के नंबर है हम अब इनको करना सीखेंगे। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुकी हैं, क्या पढ़ा आपने, 10 1 मेक अ 10। इनकी कोई भी जो 10 1s है, यानी कि 10 जो कोई भी संख्याएं हैं, वो मिलकर क्या बनाती है, 1 10, यानी कि 1 दहाई। हम इसको 10 1s इक्वल टू 1 10 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यस। उसके बाद जब हमारा 1 10 हो जाता है, तो उसके बाद 2 10, 3 10, 4 10s, 5 10s, 6 10, 7 8 9 10, और जब 10 10s के अंदर हम आते हैं तो वो मिलकर कितना बनाता है, 100। कितना बनाता है, 100। ठीक है, तो 10 10s मिलकर क्या बनाते हैं, 100, यानी के 100। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 10s जो है किसके बराबर होता है, इक्वल टू 100। उसके बाद जैसे 100 हो गया, फिर 200s, 300s, 400s, 5 6 7 8 9, जब 10 100s हमारे हो जाते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, 1000, यानी के 1000। ठीक है, और 1000 फिर हम उसको ऐसे ले सकते हैं ना, 10 जो हंड्रेड्स हैं, 10 100s मिलकर क्या बनाते हैं, 10 100s मेक 1000। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 100s इक्वल टू 1000। ओके, इसके बाद अगर हम देखें कि ये जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, ऐसे करते हैं ना इंग्लिश में, उनको हम कैसे करेंगे और वो हम आपको बताएंगे वीडियो के अंदर, आप देखते रहिए इसको ध्यान से। अब हम करते हैं इन्हीं की अगर हम बात करें नंबर्स की, कि 110, फिर आपने बोला जैसे 10 10s, ये 100 कैसे बनते हैं, और फिर आगे 10 100s मिला के 1000 कैसे बनता है। इस प्रकार जो ये आपकी डिफिकल्टी है, हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं। कैसे, देखिए, अगर हमारे पास कोई चीज है, नाइन थिंग्स है हमारे पास, इनको हम वंस के अंदर लेके आते हैं, जैसे ही इसके अंदर कोई एक और ऐड कर देते हैं तो कितनी चीजें होगी हमारे पास, ये हमारे पास 10 1s हो गई। और हम जैसे वंस के अंदर हम सिर्फ 9 ही डिजिट को, यानी कि 9 डिजिट के जितने भी हमारे वैल्यू है उसी को रखते हैं, अगर उसके अंदर एक और ऐड हो जाती है तो हम उसको वंस के अंदर नहीं लेके आते, हम उसको किसके अंदर ले आते हैं, 10s के अंदर। तो 10 1s मिलकर कितने हो जाते हैं हमारे, 110। क्लियर है, जैसे हमारे पास एक कोई भी बोल लगा लो, एक बोल है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, हम वंस के अंदर सिर्फ 9 थिंग्स को ही रख सकते हैं। वंस के अंदर कितनी आती है हमारी, 9s, वंस के बाद क्या आता है, 10s, और 10s के बाद क्या आता है, 100। ठीक है, अब जब ये 9 थिंग्स होगी हमारी, जैसे ही हमने इसके अंदर एक और ऐड की, कितनी हो जाएंगी ये, 10। 10 को हम वंस के अंदर नहीं लिखेंगे, हम इनको यहां से हटा के कहां लिख देंगे, हम इनको 10s के अंदर ले आएंगे, और जो ये हमारी 10s चीजें हैं ये हमारी 110 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब यहां कितने बाकी हैं, 0, यहां पे हमारी कोई भी संख्या नहीं है। अब 10s के अंदर कितने हैं, 110 है, 110 ना, हम इनको कैसे लिखेंगे, 10s के अंदर कितने हैं हमारे, 1। तो हमारी जो नंबर बना वो क्या बना, 10। तो इस प्रकार यानी कि जो हमारा 10 1s है वो किसके बराबर होता है, 110 के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 110, 210, 310, 410, 5 6 7 8 9, यानी कि इनके अंदर भी अगर हम 10 10 चीजों को लेके आए तो इनको भी हम 9 times ही लिख सकते हैं, 9 बार ही हम इनको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वंस के अंदर भी 9 आता है, 10s के अंदर भी 9 आता है, 100s के अंदर भी, ठीक है, आगे 1000,
10,000, लैक, 1 लैक, जितने भी आते हैं तो उसके अंदर हम 9 9 चीजों को ही रखेंगे। कैसे, जैसे अब इसके अंदर आ गए हमारे 9 10, अब एक और को अगर हम इसके अंदर रख देंगे तो कितने हो जाते हैं वो 10 10, और 10 10s का मतलब कितना होता है 100। तो हम इसको 10 10s को उठा के कहां ले आएंगे, 100 की सीरीज में ले आएंगे, और यहां पर हो जाएगी जब ये सारे के सारे उठ के हमारे 100s के अंदर आते हैं तो यहां भी जीरो, यहां पहले जीरो था तो यहां पर 100 के अंदर कितने आ गए, 100 का हमारा एक वंस हो गया, तो हम उसको लिखेंगे यहां पे 1। तो संख्या क्या बनी, 100, तो 10 10s इक्वल टू 100, क्लियर है। इसी प्रकार हमारे आगे की जो सीरीज चलती है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक बनता है वो है के 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इनके जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है। जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हम क्या लिखते हैं, 9 के बाद आता है हमारा 10। अब यहां देखें जो 1 से लेके 9 तक हमारी जो संख्याएं हैं, जो डिजिट है वो सिर्फ एक होता है, 1 होता है ना, उसके बाद जो शुरू हुआ वो हो गया हमारा 10। तो 10 के अंदर कितने डिजिट हैं, 2, तो 10 जो है वो हमारी 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या, यानी कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 10। अब 10 के बाद 11 है, 12 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 99. 99 जब हम जाते हैं, 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट है, ग्रेटेस्ट है ना, इनके 2 डिजिट की संख्या स्मॉलेस्ट हमारी 10 है, और कहां तक चलती है ये, 99 तक। तो 99 2 डिजिट की हमारी क्या हुई, सबसे बड़ी संख्या, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या आता है 99 के बाद 100, और 100 में कितने डिजिट है, 3, तो 2 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट जो 2 डिजिट की संख्या वो क्या हो गई हमारी, 99, क्लियर है। उसके बाद जब 99 के बाद हम 100 लिखते हैं, 99 के बाद अगर एक ऐड और कर दे तो कितना आता है 100, तो ये क्या बन जाती है हमारी, यहां से हमारी 3 डिजिट संख्या शुरू हो जाती है, होती है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 100 है वो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, क्लियर है ना, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 100। अब 100 के बाद 200, 300, 400, 5 6 7 8 900, 900 तक भी हमारी 3 डिजिट चलती है। उसके बाद जैसे 900 11 900 90 और 999, यहां तक हमारी 3 डिजिट की संख्या जो चलती है, कैसे चलती है, जैसे 990, 991, 992, 993, 994, 95, 96, 97, 98, 999, यानी कि 999 तक हमारी 3 डिजिट की संख्या चलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 999 वो 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट संख्या है, क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि संख्या 3 डिजिट की वो यहीं तक चलती है, तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, क्लियर इतना। अब इसके बाद 999 के बाद कितना आता है 1000, 1000। अब 1000 के अंदर, 1000 के अंदर हम देखते हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो स्टार्टिंग यहीं से है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1000,
क्लियर है? तो फोर डिजिट की जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1000। अगर हम बात करें 1000 के बाद 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9000, और 9000 के बाद अगर हमने लिखा 9000, तो उसके बाद भी संख्या चलती है ना 9100, 9200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 9900, 90 और 9, यहां तक हमारी 4 डिजिट चलती है ना 9999। अब हम यहां पर देखते हैं 4 डिजिट की संख्या है ये, क्या संख्या बन रही है? सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि इसके बाद कितना आता है? 10000, 5 डिजिट की बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि 9999 इज 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर है? क्या है ये? 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करते हैं 9999 के अंदर 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 10000। 10000 में कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि 10000 इज 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 5 डिजिट की जो संख्या है इसी नंबर से शुरू होती है। तो ये है हमारा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर है?